नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हरियाणा की चर्चित उत्तर प्रदेश की रहने वाली आईएएस अधिकारी रानी नागर अब एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी हैं और इस बार भी वजह है उनका इस्तीफा। जी हां, उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है। रानी नागर हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले 2020 में भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रानी ने हाथ से लिखे गए अपने इस्तीफे की कॉपी हरियाणा के मुख्य सचिव और केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी भेज दी है। 7 अगस्त से छुट्टी पर चल रही रानी नागर ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार करने का आग्रह किया है। इससे पहले भी रानी नागर ने 4 मई 2020 को खुद की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती उनके समर्थन में उतर आई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। हालांकि उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार उनका कैडर हरियाणा से बदलकर उत्तर प्रदेश करने की सिफारिश पहले ही कर चुकी है। अतिरिक्त सचिव रानी नागर 8 मई से छुट्टी पर चल रही हैं और यूपी के गाजियाबाद में पैतृक निवास पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। बीती 23 अप्रैल को उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर एक कारतूस और ताबीज की फोटो भी शेयर की थी। इससे पहले उन्होंने जून 2018 में पशुपालन विभाग में रहते हुए वरिष्ठ आईएएस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उस वक्त ये मामला मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचा था। रानी ने चंडीगढ़ की जिला अदालत में उस वक्त आईएएस और यूटी के कुछ पुलिस अफसरों पर मामला भी दर्ज कराया हुआ है। आईएएस रानी नागर की मां शिमल नागर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी बेटी के मानसिक स्वास्थ्य की जांच कराने को तैयार नहीं है। बात अगर रानी नागर के बैकग्राउंड की करें तो वो 2014 बैच की हरियाणा कैडर की आईएएस अफसर हैं। रानी ने जून 2018 में पशुपालन विभाग में अतिरिक्त सचिव रहते एक अफसर पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसे लेकर वो पहली बार सुर्खियों में आई थी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।